वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम एक जो कल मैंने वीडियो डाला था उसी का कंटिन्यूशन लेकर आएँ। कल मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स डाला था, एंजाइम का बेसिक कंसेप्ट। आज हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन लेकर आए हैं कि किस तरह से एंजाइम्स का एक्शन होता है और कौन कौन से हाइपोथेसिस हैं जो इसके मैकेनिज्म को या एक्शन को समझने के लिए जनरली पढ़े जाते हैं या इसका एक्शन समझने में यूज़ करे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे कैटलिस्ट स्पीड अप रिएक्शन बाय लोअरिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी, किस तरह से कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट बढ़ाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके। फिर एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देखेंगे, एंजाइम स्पेसिफिसिटी देखेंगे, किस तरह से शेप ऑफ द एक्टिव साइड से एक्टिव साइड के शेप से हम एंजाइम की स्पेसिफिसिटी देख सकते हैं। देन कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ द एक्टिव साइड, किस तरह से कैटालिटिक एफिशिएंसी देख सकते हैं एक्टिव साइड की। और देन रीसेंट स्टडीज। अब सबसे पहले बात करें एंजाइम्स क्या होते हैं, तो ये मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, है ना, जो कि रिएक्शन में बिना भाग लिए रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, सभी मैक्सिमम जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो आरएनए भी होते हैं, है ना, और एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक, और इनकी स्पेसिफिसिटी फिशर ने सजेस्ट करी थी। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि एंजाइम वर्ड किसने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यूमे ने दिया था। और एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में, यानी कि अपनी स्पेसिफिक एक्टिव साइट से ही बाइंड होते हैं, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से बाइंड होते हैं। इनकी स्पेसिफिसिटी को फिशर ने बताया था। ठीक है, देन कैटलिस्ट स्पीड अप रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब ये इन ऑर्डर फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस सम और ऑल द केमिकल बॉन्ड एंड द रिएक्शन मस्ट बी ब्रोकन सो दैट द न्यू बॉन्ड्स दोज ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड। अगर किसी रिएक्शन को होना है या कोई रिएक्शन अच्छे से हो, उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो भी केमिकल बॉन्ड है रिएक्टेंट के वो टूटने चाहिए और जो भी नए बॉन्ड्स हैं उनका फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, टू गेट द बॉन्ड इन टू अ स्टेट दैट अलाउ देम टू ब्रेक द मॉलिक्यूल मस्ट बी कॉन्फ्रॉन्टेड। और किसी भी रिएक्टेंट को ऐसे स्टेट में लाना ताकि उसके जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं वो टूट सके और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके, उसके लिए ये आवश्यक है कि मॉलिक्यूल जो हो वो कॉन्फ्रॉन्टेड हो, डिफॉर्म हो। जब तक मॉलिक्यूल बेंट नहीं होगा या डिफॉर्म नहीं होगा या अनस्टेबल स्टेट में नहीं आएगा, तब तक उसके पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये जो अनस्टेबल स्टेट है मॉलिक्यूल की, जो उसे तोड़ने, उसके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए आवश्यक है, ये जो उसकी बेंट स्टेट है या अनस्टेबल स्टेट है, ये कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट इज़ अ हाई एनर्जी स्टेट एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी द एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट बी एडेड इन ऑर्डर फॉर द मॉलिक्यूल टू रीच इट। किसी भी मॉलिक्यूल को उसके ट्रांजिशन स्टेट में लाने के लिए, उसके अनस्टेबल स्टेट में लाने के लिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि कुछ एनर्जी उस मॉलिक्यूल में ऐड की जाए। तो यह एनर्जी जो उस मॉलिक्यूल में ऐड की जाती है, यह एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। और एक्टिवेशन एनर्जी जब किसी मॉलिक्यूल में सप्लाई कर दी जाए तो मॉलिक्यूल एक ऐसी अवस्था में आ जाता है जो उसकी अस्थिर अवस्था है, अनस्टेबल स्टेट है। यह स्टेट कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट जो है वो एक हाईली रिएक्ट स्टेबल स्टेट है, वो एक अनस्टेबल स्टेट है। ठीक है, और ये लंबे समय तक नहीं रहती है। इस स्टेट में आने के बाद ही मॉलिक्यूल के एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स टूट सकते हैं और नए बंधों का, नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। इन जनरल द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज एट हायर एनर्जी लेवल देन द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो ट्रांजिशन स्टेट है किसी भी रिएक्शन का, वो हमेशा हाई एनर्जी लेवल पर होता है देन द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की अपेक्षा जो ट्रांजिशन स्टेट है रिएक्शन का, वो हाई एनर्जी लेवल पर होता है। ये ऑलवेज हैज अ पॉजिटिव वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इस बात से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी कि उसमें हीट जो है
वो लग रही है या एक्सोथर्मिक है, यानी कि हीट रिलीज हो रही है। रिएक्शन कोई भी हो मगर ट्रांजिशन स्टेट जो है वो सदैव हाई एनर्जी लेवल की स्टेट होती है। एक्टिवेशन एनर्जी शोन इन द डायग्राम बिलो इज फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ ये नीचे डायग्राम में एक्टिवेशन एनर्जी दिखाई गई है कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए जो कि एक्सर्गोनिक है ना। और ये रिएक्शन एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। इफ़ द रिएक्शन वर टू प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन, अगर ये रिएक्शन एंडरगोनिक हुई तो द ट्रांजिशन स्टेट वुड रिमेन द सेम बट द एक्टिवेशन एनर्जी विद बी लॉन्गर। अगर हीट कंज्यूम हुई तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी और अगर हीट इवॉल्व हुई तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी। दिस इज बिकॉज द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज लोअर एनर्जी एंड वुड डज नीड मोर एनर्जी टू एड टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट एट द टॉप ऑफ द रिएक्शन हिल। ठीक है, मतलब अगर प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट की जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनता है तो जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो लो होता है और उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच सके, ताकि जो प्रोडक्ट है वो ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंचने के लिए प्रोडक्ट्स ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा हीट रिक्वायर करते हैं और ये एक हिल बनाते हैं। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं ये रिएक्शन का हाइएस्ट पॉइंट है, इसको हिल कहा जाता है। ऑल दो द प्रोडक्ट आर एट लो एनर्जी लेवल देन द रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट होते हैं वो लो एनर्जी लेवल पर होते हैं, फ्री एनर्जी इज रिलीज इन गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाए, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट की रिएक्शन हो, रिवर्सिबल रिएक्शन हो, तो एनर्जी जो है वो ज़्यादा अमाउंट में लगेगी क्योंकि प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट्स की अपेक्षा लो होती है। देर इज स्टिल हम्प इन द एक्सोजेनिक पाथ ऑफ द रिएक्शन रिफ्लेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी, और इन दोनों कन्वर्जन से एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। आप तो ये याद रखिए कि ट्रांजिशन स्टेट एक अनस्टेबल स्टेट है जिसका बनना बॉन्ड्स के टूटने के लिए और नए बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, the activation energy from the forward reaction is the amount of free energy that must be added to go from the energy level to the reactant to the energy level of the transition state। जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन में जाने के लिए लगती है वो फ्री एनर्जी होती है ना, और वो आवश्यक होती है ट्रांजिशन स्टेट अचीव करने के लिए। देन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। एंजाइम बाइंड विथ केमिकल रिएक्टेंट कॉल्ड सबस्ट्रेट। ठीक है, एंजाइम किससे बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट से। सबस्ट्रेट से बाइंड करने के बाद ही ये रिएक्शन में रिएक्शन की रेट को स्पीड अप कर सकता है, बट इट विल नॉट अंडरगो द रिएक्शन। ये रिएक्शन अंडरगो नहीं करेगा, केवल उसके रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। देयर मे बी वन और मोर सबस्ट्रेट फॉर ईच टाइप ऑफ एंजाइम डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करते हुए एक या एक से अधिक सबस्ट्रेट हो सकते हैं। इन सम रिएक्शंस सिंगल रिएक्टेंट सबस्ट्रेट इज ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट, इन अदर्स टू सबस्ट्रेट में कम टुगेदर टू क्रिएट वन लार्ज मॉलिक्यूल। किसी किसी रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल सबस्ट्रेट टूटकर एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट बना लेता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो सबस्ट्रेट कंबाइन करके एक सिंगल सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। टू रिएक्टेंट also enter a reaction but both become modified and have the reaction as two product। दो रिएक्टेंट जो हैं वो एक साथ भी किसी रिएक्शन को अंडरगो कर सकते हैं, बोथ दोनों के दोनों जो हैं वो मॉडिफाई हो सकते हैं और रिएक्शन को लीव कर सकते हैं एज टू प्रोडक्ट। ये दो प्रोडक्ट की तरह रिएक्शन को फिर छोड़ भी सकते हैं। एंजाइम्स एक्टिव साइट बाइंड टू द सबस्ट्रेट। जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो सबस्ट्रेट से बाइंड होती है। सिंस एंजाइम्स आर प्रोटीन, दिस साइट इज कम्पोज ऑफ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। जो एक्टिव साइट होती है वो अमीनो एसिड की कॉम्बिनेशन से बनी एक साइट होती है, क्योंकि एंजाइम भी अल्टीमेटली क्या होता है, प्रोटीन ही होता है, इसलिए वो बाइंड जिस साइट से करता है वो भी अमीनो एसिड के रेसिड्यू से बनी एक साइट होती है। दिस आइडिया दैट एंजाइम्स बाइंड टू देयर सबस्ट्रेट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1913 बाय लियोनर मैकेल्टिस एंड मॉड मेंटन टू एक्सप्लेन एन अनयूजुअल एस्पेक्ट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। ये जो आइडिया था कि एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं, ये बात जो है ये फिशर ने बताई थी, लेकिन एंजाइम सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ये बात मैकेलिस और मेंटन ने बताई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मैकेलिस मेंटन
कंटेंट, इनका एक रेट कांस्टेंट का रिएक्शन होती है जो एंजाइमोलॉजी का पेपर पढ़ाया जाता है, जो कहीं बायोटेक वाले पढ़ेंगे आगे, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है मिकैलिस मेंटेन रिएक्शन। मेरे को ज़्यादा तो आइडिया नहीं है उसके बारे में, पर वो कुछ रेट कांस्टेंट निकालने की रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंजाइमोलॉजी का, आगे के पेपर्स में कहीं आप पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि कंसेप्ट उन दोनों द्वारा दिया गया था, ठीक है। देन इन अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, बिकॉज इंक्रीजिंग देयर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। जहां कैटलिस्ट नहीं होता वहां पर सीधी तौर पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है, मतलब जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा, है ना। नेचुरली कि जितनी क्वांटिटी में रिएक्टेंट होगा उतनी बार कोलिशंस होंगे, उतनी बार बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, तो सीधे तौर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट, है ना। फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन द सेम प्रिंसिपल होल्ड्स ट्रू एट लो सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन वेयर द रेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन। एज द सब्सट्रेट इज रेज्ड हाउ एवर द रिएक्शन वेलोसिटी डज नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज प्रोपोर्शनली एंड अ पॉइंट इज इवेंचुअली रीच वेयर फर्दर इंक्रीज इन द सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन कॉजेज नो फर्दर चेंज इन द रिएक्शन रेट। एट दिस पॉइंट एंजाइम सेचुरेशन इज सेट टू बी अचीव्ड। देखिए क्या होता है कि ये जो थ्योरी मैंने बताई कि जितना ज्यादा रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये वहां तो बिल्कुल ट्रू होती है 100% जहां एंजाइम नहीं होता, और जहां एंजाइम होता है वहां भी ये थ्योरी पार्शियली तो ट्रू होती है कि जैसे जैसे सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, जैसे जैसे रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन एक लेवल तक, ठीक है। जब सब्सट्रेट कंसंट्रेशन जो है एक लेवल तक बढ़ता है वैसे वैसे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट बढ़ता है, लेकिन एक लेवल के बाद यदि सब्सट्रेट और इंक्रीज होगा तो फिर प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन का रेट है वो इंक्रीज नहीं होगा, यानी कि एक सैचुरेशन पॉइंट आता है जिसके अचीव होने के बाद आप चाहे जितना मर्जी सब्सट्रेट बढ़ा दीजिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट नहीं बढ़ेगा। एक लेवल तक रिएक्टेंट बढ़ने से सब्सट्रेट बढ़ने से प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट इंक्रीज होगा, और एक लेवल अचीव होने के बाद जब एंजाइम का सैचुरेशन जाएगा तो आप कितना भी सब्सट्रेट डाल दीजिए जो रेट ऑफ द रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट है वो नहीं बढ़ेगा। ये जो पॉइंट है ये कहलाता है एंजाइम कंसंट्रेशन, इसको एंजाइम सैचुरेशन बोलते हैं, जिसके बाद आप कितना भी सब्सट्रेट में एडिशन कर दीजिए जो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो इंक्रीज नहीं होगा। इस सैचुरेशन इफेक्ट को एक्चुअली माइकलिस मेंटेन ने प्रपोज किया था थ्रू एन एंजाइम बाइंडिंग डायरेक्टली टू द सब्सट्रेट। एंजाइम और सब्सट्रेट की डायरेक्ट बाइंडिंग दर्शाकर उसने एक एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को सजेस्ट किया था, है ना, जिससे कि एंजाइम सब्सट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक होकर प्रोडक्ट जो है वो देगा। जैसे एंजाइम और सब्सट्रेट का रिएक्शन हुआ, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, उसके बाद जब इसका ब्रेकडाउन हुआ, देखो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द रेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। जितना एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू द सब्सट्रेट, सो एट हायर कंसंट्रेशन ऑल द सब्सट्रेट ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड टू द फॉर्म ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। पूरा का पूरा जो सब्सट्रेट है वो एंजाइम के साथ मिलकर एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। एट दिस पॉइंट रेजिंग द सब्सट्रेट कंसंट्रेशन एनी फर्दर हैज नो इफेक्ट बिकॉज ऑल द एंजाइम मॉलिक्यूल आर ऑलरेडी बाइंडिंग टू द सब्सट्रेट एंड प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एज फास्ट एज दे कैन। पूरा का पूरा एंजाइम जब सब्सट्रेट से बाइंड हो जाएगा, इस अवस्था पे पहुंचने के बाद यदि आप सब्सट्रेट का अमाउंट बढ़ाते भी जाएंगे तो एक बार ये बाइंडिंग कंप्लीट हो गई, पूरे के पूरे एंजाइम को समझने की कोशिश करिए, पूरे के पूरे एंजाइम को सब्सट्रेट ने ऑक्यूपाई कर लिया, इसके बाद यदि आप और एंजाइम का कंसेंट और सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे भी तो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट जो है वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो जो सैचुरेशन पॉइंट था एंजाइम सैचुरेशन का वो अचीव कर लिया गया है। एक बार वो अचीव हो गया तो उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं ना, हम बोलते हैं कि बच्चे को अगर आप ज़्यादा डांटेंगे तो वो ढीठ बन जाएगा, क्योंकि उसने टॉलेरोजेनेसिटी डेवलप कर ली आपकी डांट के प्रति। इम्यूनोलॉजी में भी कहीं ना कहीं ये शब्द आता है, टॉलेरोजेनेसिटी का मतलब होता है इतना एंटीजन दे दीजिए कि आपकी बॉडी उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स बनाना बंद कर दे, या किसी को इतना डांट दीजिए कि आप
कि डाट का असर ही ना हो, वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाए, या किसी का इतना विरोध कर लीजिए कि आपके विरोध का उस पर कोई असर ही ना पड़े। तो ये इसी तरह से इसे समझिए कि एंजाइम से जब एक बार सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड कर गया है, तो पूरा का पूरा सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से बाइंड कर चुका है, और अब इसके बाद आप सबस्ट्रेट डालेंगे भी तो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जो एंजाइम का सेचुरेशन पॉइंट था वो अचीव कर लिया गया है। यही माइकलिस मेंटेन ने समझाया था इस ग्राफ के थ्रू, और इसी के अवज में उन्होंने एक इक्वेशन भी दी थी, पर वो अभी आपको नहीं पढ़नी है। देन आइए एंजाइम स्पेसिफिसिटी पे। एंजाइम्स आर द प्रोटीन दैट ड्रास्टिकली इंक्रीज द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग देयर एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं। दे डू दिस बाय इंटरैक्टिंग विथ केमिकल रिएक्टेंट। ये केमिकल रिएक्टेंट से इंटरैक्ट करते हैं और सबस्ट्रेट फॉर्मेशन करते हैं इन वेज दैट मेक देम मोर लाइकली टू अंडरगो देयर केमिकल रिएक्शन। इस तरह से कि उनका जो केमिकल रिएक्शन है वो हो सके। दिस इंट्रैक्शन इज कैरीड आउट एट द एक्टिव साइट वेयर द एंजाइम बाइंड्स टू द सब्सट्रेट टू इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ रिएक्टिंग। दिस इज क्रूशियल फॉर द एंजाइम्स कैटालिटिक एक्टिविटी। ये एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए आवश्यक है कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो सब्सट्रेट से बाइंड करे। इसी बाइंडिंग से जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एक्टिव साइट से की जो सब्सट्रेट से बाइंडिंग होती है, इसके लिए दो थ्योरीज प्रपोज की गई हैं। एक है लॉक एंड की थ्योरी और दूसरी है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो कि स्पेसिफिक एक्शन ऑफ एंजाइम बताती विद अ सिंगल सबस्ट्रेट। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अ लॉक की एनालॉगी, फर्स्ट प्रपोज बाय इन 1894 बाय एमिल फिशर। 1894 में एमिल फिशर से प्रपोज हुई थी। इन दिस एनालॉगी द लॉक इज द एंजाइम एंड द की इज द सबस्ट्रेट। इसमें जो लॉक है वो एंजाइम है और की जो है वो सबस्ट्रेट है। दिस थ्योरी ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरैक्शन एक्सप्लेन्स हाउ एंजाइम स्पेसिफिकली एग्जिबिट फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक ही एंजाइम होगा, और जिस प्रकार से जिस ताले की चाबी है उससे वही ताला खुलेगा, उसी प्रकार से जो सबस्ट्रेट जिस एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट होने के लिए बना है वो उसी की एक्टिव साइट में फिट होगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से सबस्ट्रेट जाके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर रहा है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट अलग हो रहा है। जिसका एंजाइम होगा वही उसी सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, और जो सबस्ट्रेट जिस एंजाइम से बाइंड होना होगा वो उसी से बाइंड होगा। जिस प्रकार से एक चाबी अपने ही ताले में जाती है और किसी ताले को नहीं खुल सकती, उसी प्रकार से एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट अपने ही एंजाइम के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट थ्योरी आती है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। डैनियल कोशलैंड थ्योरी ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग इज दैट एक्टिव साइट एंड द बाइंडिंग ऑफ पोर्शन ऑफ द सबस्ट्रेट आर नॉट एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। द इंड्यूस्ड फिट मॉडल स्टेट्स अ सबस्ट्रेट बाइंड टू एन एक्टिव साइट एंड बोथ चेंज शेप स्लाइटली क्रिएटिंग एन आइडियल फिट फॉर कैटालिसिस। इन्होंने ये कोशलैंड ने ये थ्योरी दी थी, और उन्होंने कहा था कि एक्चुअली क्या होता है, जब सबस्ट्रेट जाके एंजाइम की एक्टिव साइड से बाइंड करता है तो उससे दोनों के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। जब दो लोगों की बाइंडिंग होती है तो कहीं ना कहीं दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है, अपने नेचर चेंज करने पड़ते हैं एक दूसरे के साथ अडाप्ट करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से जब एंजाइम और सबस्ट्रेट की आपस में बाइंडिंग होती है तो दोनों में कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आते हैं, है ना, और इसके कारण ये बाइंडिंग स्ट्रांग होती है। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग दिस बाइंडिंग चेंजेस द कन्फर्मेशन और शेप ऑफ बोथ द एंजाइम एंड सब्सट्रेट। और जैसे ही एंजाइम और सब्सट्रेट एक दूसरे से जुड़ते हैं दोनों के ही शेप में परिवर्तन आ जाता है, जिस परिवर्तन से द सब्सट्रेट क्लोजर टू हायर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट नीडेड फॉर द रिएक्शन टू ऑकर। इससे एक हायर ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट होता है, और जब ट्रांजिशन स्टेट आएगा तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि सब्सट्रेट एंजाइम जैसे एक दूसरे से बाइंड करे, दोनों ने थोड़ा थोड़ा चेंज अंडरगो किया और इस चेंज से ट्रांजिशन स्टेट आ गया। ट्रांजिशन स्टेट आएगा तो बॉन्ड जो पुराना
आने वाले हैं वो टूटेंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इसी से जो रिएक्शन की रेट है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसी तरह से एंजाइम जो है वो रिएक्शन की रेट को स्पीड अप कर पाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, दोनों की जो साइड्स थी उनमें शेप में उनके कन्फर्मेशन में चेंज आया, और कैसे एंजाइम का जो प्रोडक्ट है वो फिर एंजाइम से अलग हो गया और एंजाइम फ्री एंजाइम भी सेपरेट हो गया। वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज फॉर्म्ड, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द एक्टिव साइट एंड द एंजाइम कैन बी यूज्ड टू कैटलाइज। फ्री एंजाइम जो है वो फिर से किसी और रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है और जो प्रोडक्ट है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ द एक्टिव साइट इज बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। जो एक्टिव साइट है उसकी जो सब्सट्रेट से बाइंड करने की एफिशिएंसी होती है, उसकी जो कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है, कैटालिटिक एफिशिएंसी का मतलब है कि वो एक्टिव साइट रिएक्शन के रेट को कितना बढ़ा सकती है, एज अ कैटलिस्ट वो कितनी सक्षम है। ठीक है, तो कैटालिटिक एफिशिएंसी जो होती है एक्टिव साइट की वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करती है, बहुत सारे बिंदु हैं जिनसे कैटालिटिक एफिशिएंसी किसी भी साइट की निर्धारित होती है। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, इन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मोर देन वन सबस्ट्रेट द एक्टिव साइट ब्रिंग्स द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल क्लोज टू वन अनदर एंड सिचुएट्स देम इन ओरिएंटेशन। एक्टिव साइट जो है वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को क्लोज ले आती है, पास में ले आती है, जिससे कि अच्छे से सबस्ट्रेट से इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग हो सके। सम एंजाइम्स एक्ट बाय फॉर्मिंग एन अनस्टेबल कोवेलेंट इंटरमीडिएट जनरेट द फाइनल रिएक्शन प्रोडक्ट मोर रेडिली दैट वुड बी द सबस्ट्रेट बाय इटसेल्फ। कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो एक अनस्टेबल कोवेलेंट इंटरमीडिएट बना लेते हैं, जिससे कि सबस्ट्रेट से अच्छी तरह से एक्टिव साइट बाइंड भी करती है ना, और अच्छी तरह से उससे रिएक्ट भी कर सकेगी। तो कभी कभी कुछ जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट यानी बिचोला टाइप का बना लेती हैं, कोवेलेंट इंटरमीडिएट बना लेती हैं, जिससे कि अच्छे से फाइनल रिएक्शन हो सके। एक्टिव साइट्स ऑफन कंटेन फंक्शनल ग्रुप दैट आर केपेबल ऑफ डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जो एक्टिव साइट होती है वो कई बार फंक्शनल ग्रुप कंटेन करती है, जैसे कि कीटोन है, ईथर है, ईस्टर है, जो कि इलेक्ट्रॉन देने में या इलेक्ट्रॉन लेने में सक्षम होते हैं। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कैन इंक्रीज द रिएक्शन। अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने लगा तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए कुछ एक्टिव साइट्स में फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है ताकि आसानी से सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दिया जा सके या लिया जा सके। और चौथी है बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट टू एन एक्टिव साइट इज थॉट टू इंड्यूस अ स्टेन। जैसे ही एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से बाइंड करेगी वैसे ही एक सबस्ट्रेट के अंदर चेंज इंड्यूस होगा और सबस्ट्रेट में ये होने वाला चेंज भी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो ये एक्टिव साइट की क्षमता होती है कि वो कितनी पावरफुली सबस्ट्रेट में चेंज इंड्यूस कर सकती है। जितनी पावरफुली सबस्ट्रेट में चेंज इंड्यूस होगा उतनी रिएक्टिविटी जो है सबस्ट्रेट की वो बढ़ेगी। यानी कौन कौन सी चार प्रॉपर्टी हुई एक्टिव साइट की, सबसे पहली बात हुई कि एक्टिव साइट जो है वो एक्टिंग मॉलिक्यूल्स को पास ले आती है जिससे कि रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। एक्टिव साइट जो है वो एक अनस्टेबल कोवेलेंट इंटरमीडिएट बना देती है जिससे कि रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तीसरा, एक्टिव साइट में फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं अथवा ले सकते हैं जिससे कि रिएक्शन की रेट को वो बढ़ा सकते हैं। और चौथा, एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट में सक्षम तरीके से एक बदलाव एक डिस्टॉर्शन इंड्यूस कर सकती है जिससे कि सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है और रिएक्टिविटी बढ़ सकती है। द फैक्ट दैट एंजाइम एंड सबस्ट्रेट अंडरगो एन इंड्यूस चेंज इन कन्फर्मेशन अपॉन बाइंडिंग टू वन अनदर इज कंसिस्टेंट विद दिस नोटेशन। सिंस द चेंजिंग कन्फर्मेशन चेंजेस में डिस्टॉर्ट द एंजाइम और सबस्ट्रेट इन सच अ वे टू मेक द मॉलिक्यूल मोर रिएक्टिव। मतलब ये कि इस पूरी कहानी का सारांश ये है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनने के लिए एंजाइम की एक्टिव साइट का सबस्ट्रेट से सकारात्मक तरीके से इंटरेक्शन आवश्यक है जिससे कि सबस्ट्रेट के अंदर कुछ बदलाव हो और पुराने बॉन्ड्स जो हैं वो
टूटे नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो और फाइनली रिएक्शन की रेट को स्पीड अप किया जा सके। ठीक है, अब रिसेंट स्टडी देख लेते हैं इस डायरेक्शन में। रिसेंट स्टडी क्या क्या है? पी कुमार एंड हिज वर्कर्स 2016 में दे हैव वर्कड ऑन सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ह्यूमन डाइपेप्टाइड पेप्टिडेज थर्ड विच रिवील्स द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर काम करा है 2016 में कुमार और कोवर्कर्स ने। देन 2019 में पॉल और ओडसिक डी मोंटेला ने वर्क करा है एसिटाइलिन साइटोक्राइम P450 ऑक्सीडेशन एंड मैकेनिज्म बेस्ड ऑन एंजाइम एक्टिवेशन। इंटरनली कौन सा मैकेनिज्म बेस्ड होता है एंजाइम एक्टिवेशन पे, उस पर कॉल किया है ओडजिक और मोंटेलो ने। एंड देन 2020 में एचपी वुड एंड हिज को वर्कर्स दे वर्कड ऑन एलोमॉर्फी एज ए मैकेनिज्म ऑफ पोस्ट ट्रांजिशनल कंट्रोल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, इन्होंने एलोमॉर्फी करके एक टेक्निक वो करी है जो मैकेनिज्म को एग्जिस्ट करता है पोस्ट ट्रांजिशनल कंट्रोल एंजाइम के ऊपर, है ना, क्योंकि एंजाइम भी प्रोटीन होता है तो ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनता है नॉर्मली, और उसके बाद जो प्रोटीन बनने के बाद उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, कैसा फंक्शन प्रोटीन को करना है उसके हिसाब से प्रोटीन में कुछ चेंजेस होते हैं जिसको हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस कहते हैं, जिस एक्टिविटी के तहत ग्लाइकोप्रोटीन्स लाइपोप्रोटीन्स इनका फॉर्मेशन होता है। तो इसके ऊपर इन्होंने काम किया है और ये बताया है कि किस तरह से एंजाइम एक्टिविटी पोस्ट ट्रांजिशनल लेवल पे कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है, देन कंक्लूजन क्या है कि एक्टिव साइट इज इवॉल्व टू बी ऑप्टिमाइज्ड टू बाइंड विद अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एंड कैटेलाइजेस अ पर्टिकुलर रिएक्शन। एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग से ही पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो कमेंस होगा और रिएक्शन की स्पीड बढ़ पाएगी, क्योंकि इस बाइंडिंग से एक्टिव साइट जो है वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस ही होती है, एंजाइम की वो जगह वो साइट जहां एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है जो कि सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, जिनकी बाइंडिंग से सबस्ट्रेट में थोड़ा चेंज आएगा और पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड जो है उनका फॉर्मेशन होगा। और एक्टिव साइट यूजुअली एक ग्रूव या पॉकेट होती है एंजाइम का जो कि डीप टनल में लोकेटेड होती है, और ये मल्टीमेरिक एंजाइम्स के इंटरफेस में भी लोकेटेड होती है, और एक्टिव साइट जो है वो रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन पे, है ना। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।